हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो भीख मांगने पे मजबूर है। मतलब दिल दुखी हो गया ये चीज़ें देख के कि देश के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं और पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है। इस बच्चे से जब मैंने बात करी तो मतलब ये मेरे सामने आया मांगने के लिए कि हाँ पैसे दिए जाएँ, ये दिए जाएँ। इस बच्चे की उम्र महज 6-7 साल हो गई और फिर भी ये भीख मांगने पे मजबूर है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके माँ बाप मतलब बता रहे कि मम्मी बीमार रहती है, पापा कोई काम वाम भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हालांकि इसके बारे में हम इसके मतलब इस बच्चे से ही बात करेंगे। एक बार क्लोज लेके आओ बेटे। नाम क्या तुम्हारा, तेज बोलो। जमील। क्या नाम है? जमील। जमील नाम है इसका। बेटे स्कूल नहीं जाते तुम? स्कूल नहीं जाते। बेटे नीचे कर लो पहले, खा लेना आराम से। तो ये देखो बच्चा, यार बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। फ्यूचर है इंडिया का, और इंडिया का फ्यूचर क्या हो रहा है? बेटे पढ़ने का मन करता है ना? करता है, मन करता है बच्चे का पढ़ने का, लेकिन इसका शोषण किया जा रहा है और इसके जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब आप बस स्टैंड पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उस पर कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होनी चाहिए। मतलब प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे घूमते हैं जो भीख मांगते हैं, और ऐसा नहीं है और मतलब यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी आसपास, और फिर भी मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रूल बनाना चाहिए। बेटे मतलब फिर पढ़ाई के लिए कोई भेजते नहीं है तुम स्कूल में? नहीं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी सागर, पापा सागर, इसलिए मम्मी मांगती है। मम्मी मांगती है, बीमार नहीं, मम्मी मांगती है, पैसे मांगती है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। कितने भाई बहन हैं आपके? तीन। मतलब तीन भाई बहन हैं। अब देखिए इस बच्चे की हालत देखिए यार, मतलब देश का भविष्य ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा हम कैसे एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं बच्चों का। और ये इस चीज़ के लिए देखो जिम्मेदार इसके माँ बाप हैं सबसे पहले। ये तो बच्चा है, ये तो एक खाली घड़ा है, जैसे इसे ढालेंगे मतलब जैसा इसमें भरेंगे वो सारी चीज़ें होंगी। अब ये बच्चा देखो यार मांगने के लिए मजबूर है। इसके मतलब हालत देखिए आप लोग, इसका मतलब आप देख सकते हैं क्या प्रोटेक्शन है इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, और यार मैं मुझे मतलब बहुत दुख हुआ ये सारी चीज़ें देख के। तो प्रशासन को भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे रूल बनाने चाहिए। हम बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर, आपको पता होगा बड़े बड़े ऑफिसर मतलब चाय पी के जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे चाय पिला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बेटे आगे पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो? एक काम करना, कल यहीं पे मिलना मुझे, ठीक है? मिलोगे? स्कूल भेज देंगे हम आपको, ठीक है? फ्री पढ़ाई होगी आपकी, कोई टेंशन नहीं है। हमारा मतलब आप सोना में मतलब कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे फ्री बच्चों को पढ़ाया जाता है, फ्री खाना मिलता है, और आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लीजिए। अगर आपको कोई और भी एडमिशन नहीं देता तो हम चलेंगे वहाँ पे। लोगे एडमिशन? कपड़े मैं दिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है? पक्का पढ़ोगे ना? पढ़ के क्या बनोगे, बड़े आदमी बनोगे? ऊपर देखो, बड़े आदमी बनोगे? चलो यही है देखो, अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। मतलब बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। तो यही है, ऐसी चीज़ें ना हो। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।